नमस्कार, स्ट्रेट लाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं श्वेता सप्रू। आज हम आए हैं मुबारक मंडी, और मुबारक मंडी में अशोक जी की दुकान है। मैं इस दुकान की खासियत ये है कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि इनके पोस्टर पे फारूक जी के साथ इनका जो है पोस्टर लगा हुआ है, ऊपर अशोक टी स्टॉल है। और मैं बताना चाहूँगी आपको कि ये NC के बहुत बड़े सपोर्टर है, और साथ ही साथ धर्मेंद्र जी के बहुत ही बड़े फैन है। इनकी पूरी दुकान में आपको या तो फारूक अब्दुल्ला जी के फोटो नज़र आएंगे या तो धर्मेंद्र जी के फोटोज नजर आएंगे। तो आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं इनसे कि कितने बड़े सपोर्टर हैं ये इन दोनों सेलिब्रिटीज के। तो अंकल जी, सबसे पहले तो नमस्ते। नमस्ते जी, क्या हाल है आपका? आज ठीक है। इलेक्शन के रिजल्ट आ गए, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको कि फारूक अब्दुल्ला जी कश्मीर से जीत चुके हैं? अच्छी बात है, जीत के बहुत। जम्मू कश्मीर के राजा है, जम्मू कश्मीर के राजा है वो। तो साथ ही साथ मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री के तौर पर वापस आ रहे हैं, तो उस बात की कितनी खुशी है आपको? उनकी बहुत खुशी है, उनके भी बहुत खुशी है। तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी जो है वो जम्मू में जीती हुई है बीजेपी, और कश्मीर में NC जीती हुई है। हमने ना किया इन्होंने बीजेपी वालों ने, जम्मू में भी खाली वोट तो मोदी के नाम के लिए, इनके नाम के तो किसी के वोट नहीं पड़े हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे इस बात पे कि फारूक अब्दुल्ला जी जो है वो जीत चुके हैं? इससे पहले भी बहुत काम किए, जब इनकी हुकूमत थी इससे बहुत काम किए, इनके जाने के बाद वो काम अभी तक हो रहे हैं। कितने सालों से आप वोट कर रहे हैं NC को? मुझे हो गया भाई 25-30 साल। तो किसी ने बोला तो नहीं कि आप NC के सपोर्टर हैं, हम सारे जी मोदी के फैन हैं, हम तो आपकी स्टॉल पे चाय नहीं पियेंगे? हमें किसी ने पूछा था, हमने बोला हम अगर फारूक के हैं, आप इंदिरा गांधी के हो, आप राजीव गांधी के हो, आप नेहरू के हो, किसी के हो, हमने कभी किसी को पूछा भाई आप क्यों हैं? तो कोई प्रॉब्लम का सामना तो नहीं करना पड़ा नहीं, कि नहीं। अभी मोदी वेव चल रही है हर कई जगह से, और आपने NC को वोट कैसे दे दिया? उसमें कैसे आएगी प्रॉब्लम, ये अपनी अपनी मर्जी है। जम्मू दे आई नहीं, वो दे दी श्रीनगर, पर उसने बोला था कि अगर वोट आप कांग्रेस को दोगे तब भी हमें मिलेगा। तो आपको काफी ज्यादा खुशी है कि फारूक जी वापस आ चुके हैं? तो आप कितनी बार मिले हैं फारूक जी से? तकरीबन कोई 10-15 दफा। तो कभी ऐसा हुआ है कि वो आपके इस टी स्टॉल पे आए हो, आपके साथ चाय पी हो यहाँ पे? आए नहीं है। तो आप हमारी गली में डेथ हो गई थी, तो उनके घर में आते जाते हैं वो। तो आते जाते हैं वो, यहाँ से होके जाते हैं, आपसे मिलके जाते हैं? नहीं, वो गाड़ी में जल्दी जल्दी चले जाते हैं, मैं 1-2 दफा उनको घर में मिला हूँ बठिंडी में। अच्छा, आप उनके घर पे जाके उनसे मिलके आ चुके हैं? कितनी बार मिल चुके हैं? 3-4 दफा। 3-4 दफा। तो कभी बैठ के उनसे चाय पी, गप लगाई है उनसे? गप लगाई है। कितने टाइम तक? कोई तकरीबन 1.5-2 घंटा। आधा पौना घंटा? या कभी अचानक से दिख जाए फारूक जी, ऐसा होता है कि गाड़ी रोक देते हैं और कह देते हैं क्या हाल है? अगर आएंगे कभी तो जरूर पूछेंगे वो, वैसे तो उनको बुलाना तो है मैंने। उनको क्या करना है आपने? बुलाएंगे इधर, बुलाएंगे इधर। तो कभी सोचा कि इस टी स्टॉल को थोड़ा बड़ा करेंगे, फिर उनके हाथ इनॉग्रेशन करेंगे? नहीं नहीं, इतना ही ठीक है जितना है। तो इधर के अलावा धर्मेंद्र जी के टब्बर की फोटो आपने लगाई हुई है, अपनी फैमिली की फोटो आपने लगाई नहीं हुई है? दुकानों पे ही लगती है ना, घर में थोड़ी लगती है। तो घर पे कितनी फोटोज लगाई है आपने धर्मेंद्र जी की? लगाई है। अच्छा, घर पे नहीं लगाई हुई है, खाली बाहर लगाई हुई है। तो धर्मेंद्र जी की बीवी जो है हेमा मालिनी, और साथ ही साथ सनी देओल, वो भी इलेक्शन में उठे थे और दोनों जीत चुके हैं, तो उस बात पे आपको खुशी हो रही है कि कोई फर्क नहीं पड़ता? हीरो है ना, हमारे टाइम का हीरो है धर्मेंद्र, हम खाली इनको ही लाइक करते हैं। तो उनके बेटे जो है वो जीत चुके हैं, उनसे फर्क नहीं पड़ता? नई पीढ़ी के हैं वो, तो मतलब उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको? उनसे कोई नहीं फर्क पड़ता, अगर हार जाते तब भी फर्क नहीं पड़ता, जीत जाए कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता आपको? धर्मेंद्र से प्यार है और फारूक जी से प्यार है, दो बंदे से। तो आप क्या चाहते हो, अभी चीफ मिनिस्टर कौन बने, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर हो या फिर NC का चीफ मिनिस्टर हो? अब तो जीता तो यही 3 सीटें हैं फारूक साहब, अब देखो क्या बनता है इनका। तो आप बताइए मुझे कि ये दुकान कितने सालों से चल रही है? मुझे हो गए 5-6 साल इधर। 5-6 साल हो गए, तो रश कब टाइम होता है? सुबह के टाइम रश होता है, शाम के टाइम? पहले था इधर, अभी तो ऑफिस सारे चले गए इधर से, अब तो मंडी पूरी खाली है। तो पहले के कंपैरिजन में पहले ज़्यादा रश होता था, पहले यहाँ पे भर भर के लोग होते थे? तब हमारी दुकान नहीं थी। अच्छा, तब आपकी दुकान नहीं थी। तो आप ये बताइए मुझे कि क्या क्या रखा है आपने इस स्टॉल में? चाय है, टॉफी है, चिप्स है। चाय, टॉफियाँ और चिप्स। तो मैंने सुना है सुबह और शाम को ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं, सैर करने आते हैं थोड़े बहुत मंडी में। तो मतलब यहाँ नहीं आते? आते हैं, 10-15 बंदे इधर भी आ जाते हैं। 10-15 बंदे इधर भी आ जाते हैं। बताइए फारूक साहब आपको इतने पसंद क्यों हैं? क्यों, वो जम्मू कश्मीर के हैं, हम जब चाहे उनसे मिल सकते हैं, मोदी के पास कौन जाएगा मिलने दिल्ली। तो उनकी कौन सी ऐसी क्वालिटी है, कौन सी ऐसी खासियत है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? आप देखिए कहीं भी फंक्शन में वो डोगरी भी नाचेंगे, माता के भजन भी गाएंगे, अपने भी भजन गाएंगे, वो हर किसी से मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं।
हर किसी से घुल मिल जाते हैं, तो आपने कितनी बार देखा है उनको नाचते हुए सामने? अपने अपने सामने देखा होगा 10-15 दफा। 10-15 दफा? मन नहीं किया मैं भी नाचूं इनके साथ? नहीं, वो नहीं हो सकता है ना, वो तब वो मिनिस्टर है। हाँ, वो बात तो सही है, मिनिस्टर है। तो उसके अलावा कौन सी ऐसी खासियत है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है उनकी? बस उनका बोलना, तकरीरें करना। तकरीरें करना, अच्छी अच्छी बात है, अच्छी अच्छी बातें करना। तो अगर कभी टाइम मिलेगा उनके साथ पूरा एक दिन बिताने का, तो क्या क्या करेंगे आप? क्या करेंगे, बस उनको देखते रहेंगे और गपशप लगाएंगे, और हमने क्या करना उसके साथ, मतलब देखते रहेंगे। इतना ज़्यादा प्यार है कि उनको देख देख के निहारेंगे। हाँ, बस वो कभी कभी आ जाती है इधर, ये कार है ना चक्करने के नाम था, उनकी डेथ हुई थी तो उनकी बॉडी दान में दे दी है वो उधर साइंस कॉलेज में, तब वो इधर आए थे। जब बॉडी डोनेट की थी तब वो यहाँ पे आए हुए थे। कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई प्रॉब्लम हुई और आपने उनको बुलाया और उन्होंने मदद कर दी आपकी? उन्होंने बोला था हमें मदद कर लिया, मैंने खुद ही नहीं गया उनके पास। क्यों नहीं गए उनके पास आप? उसने ऐसे ही उसके पास बैठे थे, उसे बोला है कोई लड़का लगा देते हैं, मैंने बोला अच्छा था आना, माँ ठीक है, मैं गया नहीं। क्यों नहीं गया आप? ये बात हो गई 10 साल की, तो जाना चाहिए था आपको, अब क्यों नहीं गया? नहीं गए ऐसे ही। तो आपने देखा, हमारे साथ थे अशोक जी, जो कि सच में एनसी के बहुत बड़े सपोर्टर है। फारूक जी के घर जाके उनसे चाय पे इनकी बात भी होती है, और साथ ही साथ जब भी वो यहाँ से गुजरते हैं तो इनसे मिलकर ज़रूर जाते हैं। ऐसे ही किसी और शख्स के साथ आपकी मुलाकात मिलाएंगे। श्वेता सप्रू को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।